दीदी, शहर में मेरे ज्यादातर दोस्तों के पास ईमेल अकाउंट है। मैं भी ये खोलना चाहता हूँ। क्या मैं ईमेल अकाउंट खोल सकता हूँ? बिल्कुल रोहन, तुम भी मुख्तलिफ ईमेल खिदमात के जरिए अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन कैसे दीदी? मैं ईमेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ईमेल खिदमात के जरिए तुम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ईमेल या इंटरनेट पर पैगामात के भेजने और मौसूल करने का एक तरीका है। ईमेल में कई हिस्से होते हैं, रेसिपिएंट्स फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड और मैसेज एरिया। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। वेब पर मबनी बहुत सारी ईमेल खिदमात मौजूद हैं, जैसे जीमेल, याहू और हॉटमेल। आप इनमें से किसी एक वेबसाइट पर या सभी पर अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए पहले वेब ब्राउजर खोलें। अब एड्रेस बार www.gmail.com टाइप करें, तब गो बटन क्लिक करें या एंटर करें। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, तब नेक्स्ट पर क्लिक करें, तब जीमेल पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले साइन इन करना होगा। इसके लिए पहले जीमेल होम पेज पर जाएं और दाईं तरफ दिखाए गए स्क्रीन पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें, फिर साइन इन पर क्लिक करें। अब आप अपने अकाउंट्स पेज को देख सकते हैं। पेज पर मुख्तलिफ लिंक आप देख सकते हैं, जैसे इनबॉक्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, सेंट मेल, ड्राफ्ट्स और कंपोज। ये सब आपसे मुतालिक मालूमात रखते हैं। इनबॉक्स में सभी मौसूल होने वाले पैगामात होते हैं। इनबॉक्स पर क्लिक करके आप मौसूल सभी पैगामात तक पहुंच सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन दोस्तों से गपशप भी कर सकते हैं। दाहिने हिस्से पर आप मौसूल की गई सभी ईमेलों को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं। अगर आप ईमेल भेजने वाले को जवाब देना चाहते हैं, तो ईमेल के दाहिनी तरफ नजर आ रहे तीर पर क्लिक करें और फिर रिप्लाई बटन पर क्लिक करें। एक रिप्लाई बॉक्स नजर आएगा, जिस पर टू की जगह हासिल करदा की ईमेल आईडी दर्ज होगी। मैसेज टेक्स्ट में अपना पैगाम टाइप करें, फिर ईमेल भेजने के ऊपर दाहिनी तरफ दिख रहे सेंड पर क्लिक करें। दीदी, अपने किसी दोस्त को ईमेल कैसे भेज सकते हैं? ये बहुत आसान है रोहन, सिर्फ ज़ेली इक़दामात करें। पहला, कंपोज पर क्लिक करें तो एक मैसेज विंडो नजर आएगी। तब टू में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें, जिसे आप पैगाम भेजना चाहते हैं। कई लोगों को एक साथ भी पैगाम भेजने के लिए आप टू में कॉमा के साथ उनकी ईमेल आईडी टाइप कर उन्हें एक साथ भी पैगाम भेज सकते हैं। अब सब्जेक्ट में अपने पैगाम का मौजू टाइप करें। उसके बाद मैसेज एरिया में अपना पैगाम लिखें। मौजू बॉक्स के ठीक नीचे अटैच अ फाइल का लिंक पर क्लिक करके आप अपने पैगाम के साथ दस्तावेज या तस्वीर लगा सकते हैं। मैसेज एरिया के ठीक ऊपर फॉर्मेटिंग को अपनी मर्जी से पैगाम को फॉर्मेट की सहूलत देता है। जब आपका पैगाम मुकम्मल हो जाए तो सेंड पर क्लिक करें। कामयाबी से भेजे गए सभी ईमेल सेंट मेल फोल्डर में महफूज हो जाते हैं। आपके कुछ अधूरे पैगाम ड्राफ्ट्स फोल्डर में चले जाते हैं। आप उन ड्राफ्ट्स को कभी भी मुकम्मल कर सकते हैं। नया पैगाम लिखने के लिए न्यू या कॉम्पोज मेल पर क्लिक करें, फिर टू बॉक्स में उसकी ईमेल आईडी टाइप करें, जिसे आप पैगाम भेजना चाहते हैं।
अगर आप पैगाम की कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हैं, तो उसका ईमेल आईडी सीसी में टाइप करें। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। अब सब्जेक्ट में अपने पैगाम का मुख्तसर मौजू टाइप करें। अब सब्जेक्ट के ठीक नीचे खाली जगह पर अपना पैगाम लिख सकते हैं। यहाँ आप अपना पैगाम लिख सकते हैं। दीदी, इस सब मालूमात के लिए आपका शुक्रिया। अब अगर मैं अपने दोस्त की ईमेल का जवाब देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ईमेल का जवाब देने के लिए ये तरीके हैं। पहले मैसेज बॉक्स पर क्लिक करें, फिर रिप्लाई क्लिक करें। तब आप कंपोज पर चले जाएंगे, जिस पर ईमेल भेजने वाले का पता और पैगाम का मौजू पहले से ही दर्ज होता है। अब सब्जेक्ट बॉक्स में ठीक से नीचे खाली जगह पर अपना पैगाम लिखें। अगर आप मैसेज को ड्राफ्ट की तरह सेव करना चाहते हैं, तो सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने पैगाम को भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें। आप अपने ईमेल पैगाम के साथ दस्तावेज या तस्वीर भी अटैच कर सकते हैं। कंपोज पर सबसे नीचे अटैच फाइल पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी, ये बताते हुए कि फाइल जिस फोल्डर में सेव है उसे चुनें। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हैं उसे तलाश करें और फिर उस पर क्लिक करें। उसके बाद विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वो सब्जेक्ट बॉक्स के नीचे नजर आएगी। अपना पैगाम भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें। एक पैगाम या कई पैगामात को मिटाने के लिए पहले इनबॉक्स पर क्लिक करें, तब उन पैगामात को बगल में बने चेक पर क्लिक करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं, और तब ऊपर डिलीट पर क्लिक करें। पहले साइन आउट लिंक तलाश करें, जो आम तौर पर ईमेल अकाउंट के दाहिनी तरफ होता है। ईमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए साइन आउट पर क्लिक करें। जिससे आपको ईमेल मिली है उसे जवाब देने के लिए रिप्लाई पर क्लिक करें। मौसूल पैगामात में बताई गई ईमेल आईडी पर जवाब देने के लिए रिप्लाई ऑल पर क्लिक करें। अगर आप किसी खास पैगाम को किसी ऐसे शख्स को भेजना चाहते हैं जिसकी ईमेल आईडी पैगाम की किसी भी फील्ड में नहीं है, उसके लिए आपको फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ईमेल आईडी टाइप कर और सेंड पर क्लिक करें। अपने अकाउंट को लॉग ऑन करो, तस्वीर के साथ कंपोज करो और उसे इस एड्रेस पर भेज दो, amit@gmail.com। हाँ, मैं भी खुद कोशिश करके देखता हूँ। स्टेप वन, जीमेल होम पेज में ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप टू, कंपोज पर क्लिक करें, एक नई मैसेज विंडो जाहिर होगी। स्टेप थ्री, टू में अपने दोस्त की ईमेल आईडी लिखें। स्टेप फोर, सब्जेक्ट में पैगाम लिखें। स्टेप फाइव, अटैच फाइल को क्लिक करके तस्वीर अटैच करें। स्टेप सिक्स, एक नई विंडो जाहिर होगी, तस्वीर का इंतखाब करें और ओपन पर क्लिक करें। स्टेप सेवन, मैसेज बॉक्स में अपना पैगाम लिखें। स्टेप एट, अब सेंड पर क्लिक करें। मैं जानती हूँ कि अब तुम ईमेल सहूलतों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ एक कारकर्दगी दी गई है जिसमें आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ दिलचस्प तरीके हैं। उनमें से एक है कि आप वॉइस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल फोन की तरह कर सकते हैं। सच दीदी, वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प है। हाँ रोहन, बहुत सारी ऐसी खिदमात हैं जो इंटरनेट को टेलीफोन से लैस बनाती हैं। आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे बताइए। बिल्कुल,
अब हम ऐसी खिदमात के बारे में बातचीत करेंगे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर फोन खिदमात के लिए किया जाता है। VOIP के जरिए इंटरनेट पर VOIP खिदमत दाहिंदा और स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑडियो सिस्टम्स का इस्तेमाल कर कॉल की जा सकती है। VOIP लंबी दूरी की रिवायती कॉल कीमत के मुकाबले अच्छी खासी बचत करता है। VOIP की खास मिसाल है स्काइप। चलो सीखते हैं कि स्काइप को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। स्काइप मवासलात का एक तरीका है जिससे इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया में कहीं भी बात की जा सकती है। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से स्काइप यूजर्स को मुफ्त में मोबाइल फोन और लैंडलाइन पर बात कर सकते हैं। स्काइप की खसूसियात हैं जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफर, वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स। पहले स्टार्ट क्लिक करें, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। एक बार जब इंटरनेट खुल जाए तब एड्रेस बार में लिखें www.skype.com। अब गो पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। स्काइप होम पेज अब खुल जाएगा। तब डाउनलोड पर क्लिक करें। डिवाइस सेक्शन में कंप्यूटर डिफॉल्ट शक्ल में चुना गया है। उसके बाद गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्कटॉप पर क्लिक करें। स्काइप सेटअप .exe का शुरुआती पेज नजर आएगा। अब फाइल को कंप्यूटर में माकबूल मकाम पर महफूज रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उस जगह को सेटअप फाइल को महफूज रखा गया है और फिर स्काइप की skypesetup.exe की सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करें। फाइल खोलें। एक हिफाजती सिक्योरिटी वार्निंग। अब तंसीब करने के लिए रन पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में अंग्रेजी जबान का इंतखाब करें और फिर आई अग्री नेक्स्ट पर क्लिक करें। तब कंटिन्यू पर क्लिक करें। स्काइप तंसीब होना शुरू हो जाएगा। तंसीब का अमल मुकम्मल होने तक इंतजार करें। एक बार जब तंसीब मुकम्मल हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। तब एक साइन इन वेब पेज जाहिर होगा। अब इंदराज फारम पर जरूरी मालूमात दर्ज करें। अब हिफाजती लफ्ज दर्ज करें और फिर आई अग्री कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपका स्काइप अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप रवाबित के साथ बात करने में स्काइप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हाँ जरूर समझाइए, ये सब बहुत ही दिलचस्प है। स्काइप को शुरू करने के लिए अपना स्काइप नाम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर साइन मी इन पर क्लिक करें। अब अगर आप स्काइप में राबित जोड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें और ऐड कॉन्टैक्ट का इंतखाब करें, फिर सर्च स्काइप डायरेक्टरी का इंतखाब करें। जिस शख्स से आप जुड़ना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम और स्काइप नाम दर्ज करें। राबित को तलाश करें और फिर उसे राबित में जोड़ने के लिए ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। एक कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट बॉक्स जाहिर होगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। उसे मधु करने के लिए सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। जब वो शख्स आपकी दावत को कबूल कर लेगा तो उसका नाम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाहिर होगा। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से उस ऑनलाइन नाम का इंतखाब कर उससे राबता कायम कर सकते हैं। राबता फहरिस्त में जो शख्स उस वक्त ऑनलाइन होगा उसके नाम के चेक मार्क हरा हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ चैट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स टैब पर क्लिक करें। उस शख्स के नाम के साथ एक विंडो जाहिर होगी। अपने कर्सर को चैट बॉक्स पर ले जाएं और अपना पैगाम टाइप करना शुरू करें।
पैगाम भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। वॉइस कॉल के लिए कॉल पर क्लिक करें। अगर वो शख्स आपकी कॉल कबूल कर लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। कॉल खत्म करने के लिए एंड कॉल पर क्लिक करें। अगर आपके कंप्यूटर पर वेब कैमरा मौजूद है तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने के लिए वीडियो कॉल पर क्लिक करें। आप राब्ता को जोड़कर उससे फाइलें भी साझा कर सकते हैं। फाइलें साझा करने के लिए पहले कॉन्वर्सेशन का इंतखाब करें और फिर सेंड पर क्लिक करें और फिर फाइल पर क्लिक करें। आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उसे ब्राउज करें और फिर ओपन पर क्लिक करें। आपका दोस्त भी आपको फाइलें भेज सकता है। अगर कोई फाइल भेजी गई हो तो कॉन्टेक्ट लिस्ट के नीचे नोटिफिकेशन विंडो में ऑरेंज चेक मार्क्स की शक्ल में नजर आएगी। आप सेव एज बटन का इंतखाब कर फाइल हासिल कर सकते हैं। उस जगह का इंतखाब करें जहां आप फाइल को महफूज करना चाहते हैं और फिर सेव बटन को दबाएं, जो कि एक डायलॉग बॉक्स में नजर आएगा। फाइल खोलने के लिए ओपन फाइल या शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। स्काइप अगर आप इस्तेमाल कर चुके हों तो स्काइप क्लिक करें और फिर साइन आउट पर क्लिक करें। अब आप स्काइप से बाहर हो जाएंगे। अब मैं आपको खुद स्काइप का इस्तेमाल करते हुए देखना चाहती हूँ। जरूर। स्टेप वन, स्काइप शुरू करें। स्टेप टू, अपना स्काइप नाम डालें और पासवर्ड डालें और साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, फेरिस्त में दोस्त का इंतखाब करें जिससे आप बात करना चाहते हैं। स्टेप फोर, कॉल या वीडियो कॉल पर क्लिक करें और मैं आपको एक और खिदमत के बारे में बताती हूँ जिसका इस्तेमाल भी इसी मकसद के लिए होता है। उसे हैंग आउट कहते हैं। हैंग आउट? हाँ, हैंग आउट। ये गूगल के जरिए शुरू की गई एक तेज मैसेज पहुंचाने वाली एप्लीकेशन है। ये गूगल की तीन मैसेज एप्लीकेशन है, टॉक, गूगल प्लस मैसेंजर और हैंग आउट। हैंग आउट के जरिए दो से ज्यादा लोग चैट कर सकते हैं। हैंग आउट एप्लीकेशन में बहुत सी खसूसियात हैं। हैंग आउट को शुरू करने के लिए इकदाम। क्रिएट हैंग आउट। गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो गूगल अकाउंट होल्डर्स के लिए शुरू की गई है। हैंग आउट तलाश करें। हैंग आउट्स गूगल प्लस पर दाहिनी तरफ वाकई होता है। न्यू हैंग आउट बनाने के लिए क्रिएट अ न्यू हैंग आउट पर क्लिक करें। ये फहरिस्त आपके राब्तों की फहरिस्त और गूगल प्लस के निशान में तब्दील हो जाएगी। जिस शख्स को आप हैंग आउट से जोड़ना चाहते हैं उसके नाम के आगे बॉक्स को चेक करें। लोगों और ग्रुपों की तलाश आप सर्च बॉक्स पर नाम, ईमेल, पते या फोन नंबर लिखकर भी कर सकते हैं। अब गूगल प्लस हैंग आउट में चैट करने के लिए उन लोगों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चैट करना चाहते हैं। एक छोटी विंडो जाहिर होगी। सेंड अ मैसेज में लिखें और एंटर दबाएं। अगर आप अपनी चैट में इमोजी जोड़ना चाहते हैं तो स्माइली फेस पर क्लिक करें या चैट के दाहिनी तरफ को उठाएं स्माइली फेस से। जज्बात और इमोजी की एक फहरिस्त खुल जाएगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कई जुमरों में तकसीम होते हैं जो कि इमोटिकॉन स्क्रीन के ऊपर आइकन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं। आप चैट के दाहिनी तरफ कैमरा पर क्लिक करके अपने हैंगआउट के साथ तस्वीर जोड़ सकते हैं। ये सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर का ऑप्शन या मोबाइल डिवाइस पर ऑप्शन मेन्यू खोलेगा।
आप तस्वीर लेने के लिए अपने वेबकैम या कैमरे के फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी दूसरे जरिए से तस्वीर को जोड़ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या फोन की मेमोरी से। चैट को वीडियो चैट में बदलने के लिए चैट बॉक्स के ऊपर मौजूद वीडियो कैमरा बटन पर क्लिक करें। दूसरे शख्स को इत्तला मिल जाएगी कि आप वीडियो चैट की कोशिश कर रहे हैं। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर वीडियो चैट कर सकते हैं। अगर आप अपनी चैट सेटिंग को मुनज्जम करना चाहते हैं, तो चैट विंडो में गियर आइकॉन पर क्लिक करके आर्काइव सेटिंग्स का इंतखाब करके अपने साथ चैट करने से रोक सकते हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हों तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर जाहिर हो रहे अपने ऑप्शन को चुनें। आप चैट विंडो की बाईं तरफ ग्रुप हैंगआउट पर क्लिक करके ग्रुप में हैंगआउट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप हैंगआउट करना चाहते हैं। आप चैट को मुस्तकबिल में कभी देखने के लिए YouTube पर महफूज भी कर सकते हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं था रोहन? अब हम कारकर्दगी में हिस्सा लेते हैं। रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बातें करने के लिए फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया खिदमात का इस्तेमाल करते हैं। दीदी, फेसबुक और सोशल मीडिया खिदमात क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। सोशल मीडिया उस तरीक़ेकार को जाहिर करती है जिससे लोग इंटरनेट से आपसी ताल्लुकात और बातचीत कायम करते हैं और इत्तला को तलाश करते हैं, साझा करते हैं और दूसरों तक पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया ऑनलाइन मवासलाती ज़राए का एक तरीक़ेकार है जो कि फ़िरका जात पर मबनी इनपुट, आपसी गुफ्तगू, मौजू साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की मिसाल हैं फेसबुक, ब्लॉग्स, ट्विटर और लिंक्डइन। सोशल मीडिया की कई किस्में हैं। चलो हम उनके बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया के टूल्स हैं ऑनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट पर किसी भी तरह के ख्यालात के लेन देन को चैट कहा जाता है, जिसमें तहरीरी पैगाम उसी वक्त पाने वाले के पास पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन चैट को पॉइंट टू पॉइंट मवासलात के साथ साथ मल्टीकास्ट मवासलात कह सकते हैं, जिसमें एक शख्स के पैगाम को बहुत सारे लोग एक साथ हासिल कर सकते हैं और उससे वॉइस और वीडियो चैट कर सकते हैं। याहू मैसेंजर और जी टॉक इसकी मिसालें हैं। ब्लॉग किसी शख्स, खास ग्रुप या तंजीम के जरिए रखा जाने वाला रिकॉर्ड है। ब्लॉग का इस्तेमाल अपने किसी मौजू पर मालूमात को इंटरनेट पर लिखकर साझा करने में किया जा सकता है। किसी हाल के हादसे या सानहे पर इत्तला को साझा करने और दिलचस्प बातचीत या डिबेट करने में किया जाता है। ब्लॉग की मिसालें हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों के दरमियान एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिश्ता बनाता है जो एक दूसरे से अपनी दिलचस्पियां, कारगुजारियां, अपने माजी या हकीकी जिंदगी के रिश्तों को साझा करते हैं। फेसबुक, ट्विटर और हाल में फेसबुक सबसे ज्यादा मकबूल मीडिया खिदमत है। मैं बताती हूँ कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दीदी बिल्कुल, मैं फेसबुक में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। फेसबुक के इस्तेमाल करने के इकदामात हैं। पहले वेब ब्राउजर खोलें, तब एड्रेस बार में www.facebook.com लिखें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। साइन अप में बॉक्स में इंदिराज की तफसील भरें और फिर साइन अप बटन पर क्लिक करें। ये आपको तीन मराहिल में मुकम्मल होने वाले इंदिराज के अमल पर ले जाएगा। अब राब्ते में जोड़ने के लिए फाइंड फ्रेंड्स पर क्लिक करें। आप उस पेज के अमल को छोड़ भी सकते हैं। फिर
प्रोफाइल वाले पेज को भरें। अगर आप चाहें तो आप उस पेज को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद तस्वीर को अपने प्रोफाइल पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। आप फाइंड पीपल यूनो में लोगों का नाम या ईमेल आईडी डालकर उन्हें जोड़ भी सकते हैं। आप अपने स्टेटस को भी फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए स्टेटस पर क्लिक करें और फिर अपने स्टेटस को टाइप करें, पोस्ट का बटन दबाएं। टाइमलाइन टैब में आप अपने काम के मकाम, शहर, स्कूल और दूसरे रिश्तों का जिक्र कर सकते हैं। टाइमलाइन टैब में एक सर्च बॉक्स भी होता है जहां आप अपने दोस्तों का नाम लिखकर उन्हें तलाश कर सकते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। दोस्ती की दरख्वास्त भेजने के लिए ऐड फ्रेंड पर क्लिक करें। एक बार जब आप फेसबुक पर काम कर चुकें, तो आप फेसबुक की सेटिंग पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं, फिर लॉग आउट पर क्लिक करें। अब आपके पास फेसबुक अकाउंट है। जब आपको अगली मर्तबा देखना हो तो अपने ईमेल या फोन नंबर और फिर पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए साइन इन करें। फेसबुक अकाउंट आपको पैगाम भेजने की इजाजत देता है जो आपके दोस्तों के जरिए देखा या पढ़ा जा सकता है। पैगाम भेजने के लिए अपडेट स्टेटस के नीचे ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर अपना मैसेज टाइप करें और फिर पोस्ट बटन पर क्लिक करें। किसी पोस्ट या तस्वीर या तहरीर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। अपने ख्यालात को टाइप करें और एंटर दबाएं। फेसबुक आपको आपके दोस्त की गुजारिश, पैगाम और हाल की कारकर्दगियों के बारे में बताता है। दिए गए फिगर्स उन्हें उजागर करते हैं। फेसबुक कई कारोबारियों के अपने सारिफिन से बात करने और कंपनी को फरोग देने के तरीके को बदल रहा है। बड़े ब्रांड और छोटे छोटे स्टोर अपने नए सारिफिन को रागिब करने के लिए फेसबुक का कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कारोबार को फरोग देने के लिए फेसबुक पर पेज बनाना फेसबुक के इस्तेमालात में से एक है। चूंकि ये जरिया बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप आसानी से इस साइट की खसूसियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए होम पेज के नीचे वाक़े क्रिएट अ पेज पर क्लिक करें। लोकल बिजनेस और प्लेस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन बॉक्स में ऑप्शन में से जुमरे का इंतखाब करें और फॉर्म में तफसील जैसे पता, शहर और फोन नंबर लिखें। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। जिस कारोबार को आप फरोग देना चाहते हैं उसकी बुनियादी बातें भरें। अपने पेज पर प्रोफाइल तस्वीर जोड़ने के लिए आप या तो अपने कंप्यूटर पर दस्तयाब फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। आप पेज को अपनी पसंदीदा फहरिस्त में जोड़ सकते हैं। आप अपने बिजनेस पेज पर पेमेंट मोड जोड़कर मजीद लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पेमेंट मोड जोड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, तो आप इस मरहले को छोड़ सकते हैं। आपका बिजनेस पेज बन जाएगा और इस तरह जाहिर होगा। अगर आप अपने पेज के लिए पेमेंट मोड जोड़ना चाहते हैं तो ये विंडो जाहिर होगी। अपने मुल्क के लिए भारत का इंतखाब करें। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो जाहिर होगी जो आपसे आपके कार्ड की तफसील दरियाफ्त करेगी। कार्ड की तफसील भरें और सबमिट पर क्लिक करें। मुस्तकबिल में खरीदारी के लिए फेसबुक आपकी अदायगी को महफूज रखेगा। आप अकाउंट सेटिंग्स में कभी भी ये मालूमात हटा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को अपने पेज का मशवरा देकर उसे मकबूल बना सकते हैं। अपने पेज पर दोस्तों को मधु करने के लिए बिल्ड ऑडियंस पर क्लिक करें, इनवाइट फ्रेंड्स पर क्लिक करें।
इनवाइट फ्रेंड्स पर क्लिक करके दोस्तों को मधु कर सकते हैं। आपके दोस्तों के नाम की एक फहरिस्त जाहिर होगी। आप अपना फेसबुक पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और मधु कर सकते हैं। आप पेज पर ही दिए गए मुख्तलिफ आइकनों पर क्लिक करके अपने पेज की मालूमात प्रोफाइल पिक्चर को बदल सकते हैं। स्टेटस मैसेज पोस्ट करने के लिए कर्सर को स्टेटस के नीचे बॉक्स पर ले जाने के लिए वहां पर क्लिक करें। अपना मैसेज टाइप करें और शेयर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट या तस्वीर या तहरीर पर अपने तासुरात भेजने के लिए मैसेज के नीचे कमेंट बॉक्स पर क्लिक करें। अपने कर्सर को कमेंट बॉक्स में पहुंचाने के लिए क्लिक करें। अपना कमेंट टाइप करें और कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। फेसबुक से साइन आउट करने के लिए होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें। फेसबुक से बाहर आने के लिए लॉग आउट पर क्लिक। अब अपने आप फेसबुक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हाँ, अब मैं इतना जानता हूँ। स्टेप वन, फेसबुक के होम पेज में अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर या पासवर्ड डालें, तब लॉगिन पर क्लिक करें। स्टेप टू, तस्वीर को अपलोड करने के लिए ऐड फोटो या वीडियो पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, एक नई विंडो जाहिर होगी, यहाँ से अपनी तस्वीर मुंतखब करें और ओपन पर क्लिक करें। स्टेप फोर, टेक्स्ट बॉक्स में अपना स्टेटस अपडेट लिखें। स्टेप फाइव, पब्लिश करने के लिए। चलो अब ट्विटर नाम की एक और मकबूल सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बताते हैं। ट्विटर के जरिए आप सारी दुनिया में करोड़ों लोगों तक अपने ख्यालात पहुंचा सकते हैं। ये मुफ्त है और दुनिया भर में लाखों लोगों के जरिए आपस में बातचीत करने और मालूमात साझा करने में इस्तेमाल की जा रही है। ट्विटर का इस्तेमाल करने के इकदामात हैं। पहले ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं। उसके लिए www.twitter.com पर जाएं और जरूरी मालूमात भरकर साइन अप करें। एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और कामयाबी से साइन अप कर लिया है, तो आप ट्विटर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉलोअर्स के साथ कोई इत्तला साझा करना चाहते हैं, तो कंपोज न्यू ट्वीट में अपना पैगाम लिखें और नीचे बटन पर क्लिक करें। ट्वीट सिर्फ 140 हरूफ तक ही महदूद है, इसलिए ट्वीट मुख्तसर होता है। जिन लोगों के ट्वीट आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए होम पेज पर दिए हुए मेन्यू बटन का इस्तेमाल करें और फिर हु टू फॉलो के नीचे फॉलो बटन पर क्लिक करें। किसी को फहरिस्त में जोड़ने के लिए उसी की प्रोफाइल पर जाएं और टूल बार में उसके आइकन पर क्लिक करें और ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट का इंतखाब करें। आपकी फहरिस्त के साथ एक मेन्यू जाहिर होगा। आप एक नई लिस्ट बना सकते हैं या मौजूदा फहरिस्त में ही किसी को जोड़ सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आप अपने यूजर नाम के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग्स पर क्लिक करें। तब प्रोफाइल पर क्लिक करें, फिर कंप्यूटर पर उस फोल्डर को चुनने के लिए जिसमें फोटो सेव कर रखे हैं, चूज फाइल पर क्लिक करें। ये तस्वीर पूरी साइट पर आपके नाम के साथ नजर आएगी। ये JPG, GIF या PNG फाइल होनी चाहिए और 700 KB से छोटी होनी चाहिए। प्रोफाइल के बाकी तफसील जैसे अपना नाम, मकाम या वेबसाइट भर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर ट्वीट करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल पेज पर पोस्ट्स योर ट्वीट्स टू फेसबुक पर क्लिक करें। ट्वीट मीडिया एंड प्राइवेसी सेटिंग्स का जायजा लें। ये आपकी सेटिंग के अकाउंट के तहत फहरिस्त शुदा होते हैं। वक्तन फवक्तन अपना पासवर्ड बदलते रहें और अपने अकाउंट की हिफाजत करें। इसके लिए सेटिंग में पासवर्ड पर क्लिक करें।
अपना पुराना पासवर्ड एंटर करें और फिर दोबारा अपना नया पासवर्ड एंटर करें, फिर खत्म करके चेंज पर क्लिक करें। तय करें कि आप ट्विटर से ईमेल हासिल करना चाहते हैं। नोटिफिकेशंस टैब के तहत कामों की एक फहरिस्त होती है। वो काम जिनके लिए आप ईमेल हासिल करना चाहते हैं, उनके बाद बॉक्स को चेक करें। हर प्रोफाइल डिफॉल्ट बैकग्राउंड और कलर स्कीम के साथ शुरू होती है। ज़ेली इक़दामात के जरिए आप इसको इन्फ़रादी कर सकते हैं। सेटिंग के डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें। आप चेंज बैकग्राउंड इमेज बटन का इस्तेमाल करके दस्तयाब तस्वीर या खुद के जरिए अपलोड की गई तस्वीर में से बैकग्राउंड का इंतखाब कर सकते हैं। तब अपने कंप्यूटर से अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। चेंज डिजाइन कलर्स पर क्लिक करके आप रंग स्कीम को भी बदल सकते हैं। देखते हैं कि क्या आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर होम पेज पर आप अपना ईमेल आईडी, फोन, यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें, फिर साइन इन पर क्लिक करें। तस्वीर के साथ ट्वीट करने के लिए अपने पैगाम को कंपोज न्यू ट्वीट टेक्स्ट बॉक्स में दाखिल करें। ऐड फोटो पर क्लिक करें, एक नया विंडो दिखाई देगा। तस्वीर मुंतजीब करें और ओपन पर क्लिक करें। तस्वीर अपलोड हो जाएगी। ट्वीट बटन पर क्लिक करें। रोहन, अब मुझे यकीन है कि तुम फेसबुक या ट्विटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल दीदी, यकीनी तौर से कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब जरा कारकर्दगी करते हैं। रोहन, क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो खूब सारी ऐसी मालूमात फराहम कराती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं दीदी, ये कौन सी साइट्स हैं? वो हैं यूट्यूब और विकिपीडिया, जिनके जरिए इत्तला हासिल कर सकते हैं या साझा कर सकते हैं। यूट्यूब गूगल के जरिए पेश की गई एक मुफ्त वेबसाइट है। ये 2005 में पेश किया गया वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। YouTube करोड़ों लोगों को बुनियादी तौर से वीडियो को तलाश करने, देखने और साझा करने की इजाज़त देता है। YouTube दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, मुत्तला करने और तरगीब देने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है और बुनियादी अशिया जमा करने वाले के लिए, छोटे और बड़े इश्तेहार दाहिंदों के लिए मुजाहिरा करने के एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में काम करता है। YouTube चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडोब फ्लैश प्लेयर और स्पीकर की जरूरत होगी। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। तब एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो या एंटर पर क्लिक करें। यूट्यूब वेब पेज लोड हो जाता है। आप पेज के ऊपर सर्च बार देख सकते हैं। अब सर्च आइटम्स या सर्च कीवर्ड्स टाइप करें या एंटर करें। आपकी स्क्रीन पर वीडियोस लिंक की एक फहरिस्त नजर आएगी। फिर मुतालिका वीडियोस देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आपके वीडियो प्लेयर में मुंतखब वीडियो चलने लगेगा। आप प्लेयर पर बहुत सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं, जैसे प्ले पॉज, वॉल्यूम म्यूट, टोटल टाइम, चेंज क्वालिटी और फुल स्क्रीन। आप वीडियो के नीचे उसकी तफसील और तासुरात देख सकते हैं। आपको मकबूल और आम वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाती वीडियो देखने के लिए लॉगिन अकाउंट की दरकार है। गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर साइन इन करें। यूट्यूब वेब पेज के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर साइन इन बटन पर क्लिक करें। अब गूगल साइन इन पेज जाहिर होगा। अब अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालें और साइन इन पर क्लिक करें। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा। यूट्यूब पेज जाहिर होगा।
सर्च बॉक्स के बाद अपलोड पर क्लिक करें। पहली बार इस्तेमाल करने वालों से ये अपना चैनल कायम करने के लिए कहेगा और कुछ जाती मालूमात जैसे जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। इन तफसीलात को भरें और कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करें। फिर सिलेक्ट फाइल्स टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब कंप्यूटर के जरिए ब्राउज करें और जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं उसका इंतखाब करें। फिर ओपन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अपलोडिंग शुरू हो गई है और प्रोग्रेस वेब पेज पर नजर आ रही है। जब अपलोडिंग पूरी हो जाती है तो एक मैसेज अपलोड कंप्लीट नजर आएगा। आप बाद में वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। आप उनवान और तफसील भी जोड़ सकते हैं और वीडियो की पोशीदगी की सेटिंग भी कर सकते हैं। एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का इस्तेमाल करके उसकी पोशीदगी की सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को हटा सकते हैं। पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें, तब जो वीडियो मिटाना चाहते हों उस पर क्लिक करें, तब एक्शंस मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का इंतखाब करें। एक तस्दीकी मैसेज जाहिर होगा, यस डिलीट पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा। रोहन, मुझे दिखाओ कि अब तुम YouTube का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल दीदी। स्टेप वन, YouTube के होम पेज में जाकर साइन इन करना है। स्टेप टू, गूगल अकाउंट का पेज जाहिर होगा। अपनी जीमेल आईडी डालें और पासवर्ड डालें और साइन इन पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करें। स्टेप फोर, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें। स्टेप फाइव, जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और ओपन करें। अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। स्टेप सिक्स, खाता बंद करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करें। अब हम विकिपीडिया के बारे में सीखेंगे। विकिपीडिया एक वेब एप्लीकेशन है जो कि किसी को वेबसाइट पर मौजूद तहरीर को पढ़ने या तरमीम करने की इजाजत देता है, किसी खबर को एक्सेस करने के लिए। अब हम किसी खबर के बारे में सीखने के लिए पहले विकिपीडिया का इस्तेमाल करेंगे। विकिपीडिया जो कि किसी को वेबसाइट पर मौजूद तहरीर को पढ़ने या तरमीम करने की इजाजत देता है। लैंग्वेज का इंतखाब करें और फिर एरो बटन दबाएं। अगला पेज आपके जरिए मांगी गई मालूमात को जाहिर करेगा। पेज के ऊपर का हिस्सा तहरीर के साथ होता है जिसके हर हिस्से में हायर लिंक होता है। आप किसी खास सेक्शन पर क्लिक करके सीधे उस सेक्शन पर जा सकते हैं। आमतौर पर सभी पेजों में सी ऑल्सो लिखा होता है जो सेकेंड लास्ट सेक्शन होता है जहां उससे मुंसलिक लिंक दिए होते हैं और आखिरी हिस्सा रेफरेंसेस का होता है जिसमें उससे मुतालिक मौजू के मुख्तलिफ लिंक दिए होते हैं। विकिपीडिया में किसी मतन में तरमीम करने के इकदाम हैं। पहला, अगर आप हाल में इस्तेमाल करता हैं तो साइन इन करें या अकाउंट बनाएं। उसके बाद कामयाबी से साइन करने के बाद एडिट लिंक पर क्लिक करें। अब वो उस पेज के लिए मतन वाला पेज जाहिर होगा। कुछ भी टाइप करें या वहां जो तहरीर मिले उसमें तरमीम करें। अगर पेज के ऊपर एडिट का ऑप्शन नजर ना आए तो शायद ज्यादा बदलाव की वजह से ये महफूज हो सकता है। अगर आप तहरीर के हिस्से में छोटा बदलाव कर रहे हैं तो उस हिस्से के बगल में एडिट पर क्लिक करें। ये बगैर पूरा मतन खोले आपको उस मतन के उस हिस्से में तरमीम की इजाजत देगा। अब पेज के आखिर में एडिट समरी बॉक्स में अपने जरिए किए गए बदलावों का खुलासा करें। अपने जरिए किए गए बदलावों का जायजा लेने के बाद शो प्रीव्यू पर क्लिक करें।
अगर आप अपने जरिए किए गए काम से मुतमईन हैं, तो पेज के नीचे सेव पेज पर क्लिक करें। विकिपीडिया पर पेज बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पेज बनाने से पहले मौजूदा आर्टिकल तलाशें। कोई आर्टिकल बनाने से पहले ये तय करें कि उसी मौजू पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ पैराग्राफ पहले ही से तो मौजूद नहीं है। आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में इत्तलात का जरिया तलाश करें। आर्टिकल सर्विसिंग के ढंग पर तफसीली हिदायत विकिपीडिया के WPCITE साइट पेज पर पाए जा सकते हैं। विकिपीडिया इन मौजूदात पर पेज बनाने की इजाज़त नहीं देता है, जैसे कारोबार के लिए अपने सामान का इश्तेहार, जाती मकाला या असल तहकीक, माकूक साइटेशन के बगैर काबिले जिक्र मौजूदात पर, जाप्ता या बेजाप्ता तौर से आपसे बेमुतालिक किसी शख्स या किसी तंजीम पर हमला, मकामी मफाद मजामीन, ब्रेकिंग न्यूज के हादसात। विकिपीडिया के अपने मकाले में तावुन करने के टिप्स हैं, प्रोमोशनल जुबान ना जोड़ें, जोड़ी गई या तरमीम की गई अशिया की जबान गैर जानिबदार रखें, सारिफ या मौजू से अपने रिश्ते को जाहिर करना, पेज बनाने में इन्फरादी खातों का इस्तेमाल ना करें, एक स्पॉन्सर की तलाश करें जो उन मकालों पर काम कर चुका हो या उन पर अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हो। विकिपीडिया में पेज बनाने के ज़ेल इक़दामात हैं। पहला, अगर आप पहले से इस्तेमाल करदा हैं तो साइन इन करें या अकाउंट बनाएं। सर्च बॉक्स में अपने पेज का उन्वान टाइप करें, फिर गो बटन पर क्लिक करें। अगर जिस पेज की आपने गुजारिश की है वो मौजूद नहीं है तो लाल रंग में मकाले के नाम के बाद यू में क्रिएट द पेज की रिपोर्ट सर्च पेज देता है। तब आप लाल मकाले पर क्लिक कर मकाला लिखना शुरू कर सकते हैं। ये एक ब्लैंक एडिटिंग विंडो खोलेगा। पेज पर ऊपर दी गई हिदायत को पढ़ें और फिर लिखना शुरू करें। अब पेज के आखिर में एडिट समरी बॉक्स में अपने जरिए किए गए बदलाव का खुलासा करें। अपने जरिए किए गए बदलावों का मुशाहिदा करने के लिए शो प्रीव्यू पर क्लिक करें। अगर आप तरमीम शुदा मतन को दिखाना चाहते हैं तो शो चेंजेस पर क्लिक करें। अगर आप अपने जरिए किए गए काम से मुतमईन हैं तो पेज के नीचे सेव पेज पर रोहन, अगर तुम खुद विकिपीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो तो करके दिखाओ। ठीक है। स्टेप वन, विकिपीडिया होम पेज में अपनी जबान का इंतखाब करें। स्टेप टू, लॉगिन पर क्लिक करें और यूजर नेम और पासवर्ड डालें। स्टेप थ्री, सर्च बॉक्स में अपने मकाले का उन्वान टाइप करें ये देखने के लिए कि इस तरह का कोई और तो नहीं है। स्टेप फोर, अगर पेज नहीं मिलता तो लाल रंग में नाम के साथ शुरू करें। स्टेप फाइव, ये एक खाली एडिटिंग विंडो खोलेगा। इस विंडो में लिखना शुरू करें। स्टेप सिक्स, अपने मकाले को पब्लिश करने के लिए सेव पेज दबाएं। आपका पेज सेव हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम YouTube और विकिपीडिया के बारे में काफी कुछ जान गए हो। चलो अब कारकर्दगी में हिस्सा लेते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नजदीकी रابطے में रहने के कई तरीके हैं। ये WhatsApp के जरिए होता है। दीदी, WhatsApp क्या होता है? WhatsApp एक बगैर इश्तेहार वाला मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो इस्तेमाल करने वालों को तहरीरी या मीडिया पैगामात को इंटरनेट डाटा प्लान या वाईफाई के जरिए लेन देन करने की इजाजत देता है। इस्तेमाल करने वालों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बल्कि कंपनी खिदमात इस्तेमाल करने की छोटी सालाना फीस लेती है।
واٹس ایپ کا اپنے موبائل پر استعمال کرنے کے لیے ذیلی اقدامات ہیں۔ پہلے اپنے اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کے مینیو پر جائیں۔ مینیو میں پلے اسٹور پر ٹائپ کریں۔ آپ آن اسکرین مینیو جس میں کے ایپس، بکس، موویز اور گیمز شامل ہیں، ان پر نیویگیٹ کر کے ایپس یا کانٹیکٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب دکھائے گئے کسی ایک آپشن پر کلک کریں۔ اب سرچ بار میں واٹس ایپ ٹائپ کریں۔ ایپلیکیشن فہرست ظاہر ہوگی، جو صحیح ہو اسے تلاش کریں اور پھر اس پر کلک کریں۔ اب واٹس ایپ کو اپنے فون یا ٹیبلٹ پر انسٹال کرنے کے لیے انسٹال پر کلک کریں۔ اب واٹس ایپ کو کھولنے کے لیے اس کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب یہ تصدیق کے مقصد سے آپ سے آپ کا فون نمبر انٹر کرنے کو کہے گا۔ اسے انٹر کرنے کے بعد اوکے بٹن دبائیں۔ اب اپنا نام انٹر کریں اور اگر چاہیں تو اپنا پروفائل فوٹو اپلوڈ کریں اور پھر نیکسٹ دبائیں۔ واٹس ایپ ڈیوائس میں واٹس ایپ ہونے کی وجہ سے خود بخود آپ کی مکمل کانٹیکٹ لسٹ لے لے گا۔ سرچ بار میں آپ جس سے بھی چیٹ کرنا چاہتے ہوں اسے اپنی فہرست میں تلاش کریں اور اس پر کلک کریں۔ اب ایڈجسنٹ اسکرین نظر آئے گی۔ آپ اسکرین کے نیچے دیے ہوئے باکس میں پیغام ٹائپ کر سکتے ہیں۔ نیچے بائیں جانب کونے پر دیے گئے بٹنوں کا استعمال کر کے میسج ڈالے جا سکتے ہیں۔ نیچے بائیں جانب کونے پر دیے گئے بٹنوں کا استعمال کر کے آڈیو میسج بھیجا جا سکتا ہے۔ اب ویڈیو، فوٹو، اپنی حالیہ لوکیشن یا نمبر بھیجنے کے لیے اوپر کے داہنے بٹن پر کلک کریں اور اپنی پسند کے مطابق چنیں۔ اب ایپ کے دوسری خصوصیات کا استعمال کرنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون کو دائیں یا بائیں بٹن پر کلک کریں اور دی گئی اسکرین دکھائی دے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیو چیٹ پر کلک کریں۔ ایک ہی جگہ سے دو یا مزید لوگوں سے ایک ساتھ چیٹ کرنے کے لیے گروپ بنانے کے لیے نیو گروپ بٹن پر کلک کریں۔ اسی میسج کو ایک سے زیادہ حاصل کرنے والوں کو بھیجنے کے لیے نیو براڈ کاسٹ لسٹ پر کلک کریں۔ کانٹیکٹ لسٹ پر جانے کے لیے کانٹیکٹ پر کلک کریں۔ اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کے لیے اسٹیٹس بٹن پر کلک کریں۔ ایڈجسنٹ اسکرین نظر آئے گی۔ آپ ڈیفالٹ میں سے کوئی ایک چن سکتے ہیں یا اپنا خود اسٹیٹس لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سیٹنگ بدلنا چاہتے ہیں تو سیٹنگ بٹن پر کلک کریں اور اسکرین ظاہر ہوگا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہیلپ بٹن پر کلک کریں۔ اپنا نام اور پروفائل فوٹو بدلنے کے لیے پروفائل پر کلک کریں۔ پرائیویسی سیٹنگ بدلنے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے، نمبر بدلنے کے لیے، اکاؤنٹ مٹانے کے لیے اور نیٹ ورک کا استعمال جاننے کے لیے اکاؤنٹ پر کلک کریں۔ چیٹنگ، نوٹیفیکیشن اور کانٹیکٹ سے متعلق سیٹنگز کو تبدیل کرنے کے لیے چیٹ سیٹنگ، نوٹیفیکیشن اور کانٹیکٹ بٹن پر کلک کریں۔ مجھے دکھاؤ کہ تم واٹس ایپ کا استعمال اپنے آپ کر سکتے ہو۔ بالکل دیدی۔ سٹیپ 1، اپنے موبائل فون یا ٹیبلٹ پر واٹس ایپ پر کلک کریں۔ جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں ان کے نمبر کی فہرست نظر آئے گی۔ سٹیپ 2، آپ جن سے چیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام پر کلک کریں۔ ایک میسج ونڈو نظر آئے گی۔ سٹیپ 3، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ پر کلک کریں۔ سٹیپ 4، ویڈیو یا فوٹو بھیجنے کے لیے چیٹ اسکرین کے اوپر اٹیچ آئیکن پر کلک کریں۔ سٹیپ 5، گیلری باکس کھلے گا۔ جس فوٹو یا ویڈیو کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں، وہ خود ہی بھیجنا شروع کر دے گا۔ ہم
तो रोहन, तुमने देखा कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग को मवासलत के लिए इस्तेमाल करना कितना आसान है। हालांकि इन साइटों के गलत इस्तेमाल से कुछ कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। ओ, वो किस तरह की कानूनी पेचीदगियां हैं दीदी? सोशल नेटवर्किंग के कानूनी मुद्दे उन ऑनलाइन कामों और गलतियों से मुतालिक हैं जिनसे सिविल दीवानी या जराइम पेशा लोगों को फरोग मिल रहा है। सोशल नेटवर्किंग मीडिया भारत के इत्तलाती तकनीक के कानून 2000 बीचवान के मायनों में समझा जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उन मुख्तलिफ कामों और गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं जो कानूनन काबिले सजा हैं। मिसाल के लिए, भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑनलाइन आईपीआर्स के खिलाफ वर्जी के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऑनलाइन कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी भी शामिल है। कुछ गैर कारगुजारियां जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हो सकती हैं, जो इस तरह हैं: बोलने की आजादी, तलाश और जब्त करने के मुद्दे, कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी और दूसरे दानिश्वराना हुकूक, इन्फरादी प्रमोशन और राजदारी के हुकूक की खिलाफ वर्जी, फहश या हतक आमेज मवाद या बयानात। भारतीय आईन में कुछ कायदे कवानीन हैं जो आईटी एक्ट की दफा 66A को कोर करती है। इन उसूलों के खिलाफ वर्जी करने पर सजा देने के कानून इस तरह हैं: कोई शख्स जो कंप्यूटर या किसी दूसरे मवासलाती आले के जरिए कोई ऐसी खबर भेजता है जैसे मोटे तौर पर जारहाना या धमकी आमेज हो, कोई ऐसी खबर जो झूठी हो वो जानता हो फिर भी नाराजगी, तकलीफ, खतरा, रुकावट, तौहीन, मुजरिमाना धमकियां, दुश्मनी, नफरत या बुरा चाहना इन सब कारगुजारियों को कंप्यूटर के जरिए मुसलसल अंजाम देता हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज किसी को नाराज करने के लिए तकलीफ या धोखा देने या मक्तूब आलिया को गुमराह करने का काम करता है, उसे 1 साल तक की कैद, जो 3 साल तक दराज की जा सकती है, और जुर्माना हो सकता है। दीदी, मैं नहीं जानता था कि स्मार्टफोन और टैबलेट से इतने सारे काम अंजाम दे सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ रोहन, अब तक तुमने मैसेजिंग खिदमात के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब हम लोग मजेदार कारकर्दगी में हिस्सा लेंगे।